नमस्कार दोस्तों, प्रदीप टेक्निकल चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोमीटर के बारे में, और दोस्तों आप वीडियो के एंड तक बने रहें क्योंकि आज हम माइक्रोमीटर के बेसिक फंडामेंटल को क्लियर करने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के देखने के बाद आपका कोई भी कन्फ्यूज़न बाकी नहीं रहेगा, और कल हम एक वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप इस वीडियो का एंड तक देखते हैं तो आप सभी फंडामेंटल क्लियर कर पाएंगे, जिससे आने वाले क्वेश्चन के आंसर आप आसानी से दे सकेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके पार्ट्स की। पार्ट से पहले बात करते हैं दोस्तों माइक्रोमीटर है क्या। माइक्रोमीटर एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, जिससे हम सूक्ष्म माप ले सकते हैं। इससे हम 0.01 लिस्ट काउंट तक के माप को मेजर कर सकते हैं, और इससे हम आउटसाइड व इनसाइड पार्ट के साइज़ को मेजर कर सकते हैं। इनसाइड साइज लेने के लिए दोस्तों हमें इनसाइड माइक्रोमीटर की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं हम आउटसाइड माइक्रोमीटर की। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पार्ट्स की। तो फ्रेम दोस्तों सी आकार का होता है, यह इनवार स्टील का बना होता है, और इसको कभी कास्ट आयरन का भी बनाया जाता है कभी। और इससे आगे बात करते हैं दोस्तों लोक। जब हम किसी भी साइज़ को मेज़र करते हैं तो उसके साइज़ को लॉक करने के लिए हम लॉक नट का प्रयोग करते हैं। इससे आगे हम बात करते हैं दोस्तों थिम्बल पर दोस्तों थिम्बल डिवीज़न होते हैं 0 से लेकर 50 तक। और इससे आगे दोस्तों रैचेट स्टॉप का प्रयोग दोस्तों हम किसी भी प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। जैसे हम पार्ट को मेज़र करते हैं और एक सफिशियंट प्रेशर के बाद इसके अंदर से एक कट कट की आवाज़ आती है, जिससे हमें प्रेशर कंट्रोल होता है, मतलब उसके बाद हम उसको प्रेशर नहीं देते हैं। और इससे आगे बात करें दोस्तों हम स्लीव के ऊपर वर्नियर की रेजुलेशन होती है दोस्तों, यह भी 0 से लेकर 25 तक होती है। इसमें नीचे 0-1 मतलब 1 mm के डिस्टेंस में ग्रेजुएशन अंकित होती है, ऊपर 0.5 के डिस्टेंस पे ग्रेजुएशन अंकित होती है। इससे आगे बात करें दोस्तों हम स्पिंडल की। स्पिंडल दोस्तों बीच में इसके थिम्बल के साथ जुड़ा होता है। जैसे ही हम थिम्बल को रोटेट करते हैं तो स्पिंडल आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। और इससे आगे बात करते हैं दोस्तों हम एनविल की। एनविल माइक्रोमीटर के लेफ्ट हैंड साइड में फिक्स रहती है फ्रेम के ऊपर। इससे नीचे हम बात करें दोस्तों मेजरिंग फेस की। मेजरिंग फेस इसके दोस्तों कार्बाइड के बनाए जाते हैं, जो डायरेक्टली पार्ट के कॉन्टेक्ट में आते हैं। इसको कार्बाइड के इसलिए बनाया जाता है दोस्तों ताकि हम बार बार जब इसको मेज़र करते हैं तो इसके फेस ख़राब ना हों। सो दोस्तों अब हमने बात करी पार्ट के बारे में। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम माइक्रोमीटर के प्रिंसिपल के बारे में। दोस्तों माइक्रोमीटर नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप फोटो के माध्यम से क्लियर कर पा रहे होंगे। ये बोल्ट है और ये नट है। जैसे हम बोल्ट को जैसे थिम्बल बोल्ट के साथ अटैच होता है, जैसे हम इसको थिम्बल से रोटेट करते हैं तो ये 0.5 आगे बढ़ता है। इसके अंदर सिंगल पिच और सिंगल लीड थ्रेड कटी होती है दोस्तों। इसकी पिच जो होती है वो 0.5 होती है। जैसे ही हम इसको थिम्बल को फुल चक्कर रोटेट करते हैं तो माइक्रोमीटर 0.5 mm आगे बढ़ जाता है। और इससे आगे हम बात करें दोस्तों तो दोस्तों अब हमें ध्यान रखना है, अगर मान लो कहीं भी पूछा जाता है कि माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है, तो वहाँ पे अपना आंसर नट और बोल्ट होगा। यह नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है।
अब हम बात करते हैं दोस्तों इससे आगे, जब हम माइक्रोमीटर को बार बार यूज करते हैं तो उसके अंदर कुछ एरर क्रिएट हो जाते हैं, तो उस एरर के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों आप तीन इमेज देख रहे होंगे, थ्री इमेज। सबसे फर्स्ट वाली इमेज है जिसमें नो एरर दिखाया गया है, नो जीरो एरर, और बी नंबर पे बात करें दोस्तों उसमें दिखाया गया है पॉजिटिव जीरो एरर, और सी नंबर पे बात करें नेगेटिव जीरो एरर। तो हम बात करते हैं एरर के बारे में। तो जो ये वाली जीरो आप देख रहे होगे, ये डेटम लाइन की जीरो है दोस्तों, और जो ये वाली जीरो देख रहे होगे ये थिम्बल डिवीज़न की जीरो है। तो क्वेश्चन पूछता है जब थिम्बल डिवीज़न की जीरो और डेटम लाइन की जीरो से पीछे रह जाती है तो कौन सी एरर होती है। तो दोस्तों आप देख रहे होगे बी वाले फिगर में, जीरो जो थिम्बल डिवीज़न की जीरो लाइन है वो डेटम लाइन की जीरो से नीचे पीछे रह गई है, तो इसके अंदर पॉजिटिव जीरो एरर होता है दोस्तों। अब बात करें सी की, तो जब थिम्बल डिवीज़न की जीरो डेटम लाइन की जीरो से आगे चली जाती है और जो फेस होता है माइक्रोमीटर के फेस होते हैं वो आपस के में कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो किस प्रकार का एरर होता है। तो दोस्तों इसमें नेगेटिव एरर होता है। तो अगर मान लो हम इसको ठीक नहीं कर पाए तो हम मेजरमेंट को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो मैं आपको वो वीडियो में अब बताने वाला हूँ दोस्तों। अगर आपकी पॉजिटिव जीरो एरर है तो जो अपना एक्चुअल माप होता है उसके अंदर से हम पॉजिटिव एरर को, पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस कर देते हैं जिससे हमें एक्चुअल साइज मिल जाता है। और बात करें नेगेटिव जीरो एरर की, तो हम दोस्तों एक्चुअल साइज के अंदर नेगेटिव जीरो एरर को ऐड कर देते हैं जिससे हमें सही साइज प्राप्त होता है। और दोस्तों हम अगर एरर को ठीक किया जा सकता है तो उसके लिए हम सिस्पेनर का यूज़ करते हैं। सिस्पेनर की सहायता से माइक्रोमीटर की एरर को ठीक किया जा सकता है। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसके अलावा दोस्तों मैंने एक PDF बनाई है जिसके अंदर मैंने इसकी डिटेल को दिया है, जो आप इसमें देख रहे होगे दोस्तों। तो इसको मैंने आज तैयार किया है, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन ऐड करने बाकी हैं जो मैं आपको कल वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर दोस्तों अपने 150 जैसे ही 150 सब्सक्राइबर से ऊपर होते हैं तो दोस्तों इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, और चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।